आज की क्लास में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देखिए फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, जिसकी यूनिट होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को लिखते हैं बी से, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखते हैं एच से, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। अब देखिए बी और एच में क्या रिलेशन है, B इक्वल टू म्यू इंटू एच, जहां म्यू होता है परमिएबिलिटी ऑफ मेटीरियल या मीडियम। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। म्यू को कहते हैं ये मतलब है मेजर ऑफ मैग्नेटाइजेशन। म्यू जो है परमिएबिलिटी जो है, इट इज ए मेजर ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसी को म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो यही अब बी और एच का रिलेशन हो गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। देखिए फाई हो गया, होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट में लिख रहे हो फाई इक्वल टू बी डॉट एरिया, एरिया को हम लिख दिए डी एस। ये जाई है, जाई और म्यू आर में जो रिलेशन है, जाई है म्यू आर माइनस वन। ये जाई जो है ये ससेप्टेबिलिटी होता है, ससेप्टेबिलिटी मतलब संवेदनशील कितना है। जैसे बी और एच में जो रिलेशन होता है ये म्यू है, और एक और रिलेशन है यहां आएगा आपको देखने को एम और एच में, इसको जाई बोलते हैं। समझ में आया, म्यू है मेजर ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये जो म्यू है इट इज ए, यहां जो म्यू आ रहा है इस इक्वेशन में ये वाला, इट इज ए मेजर ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और आपका जो जाई है ये कहलाता है इट इज ए डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलिए आइए, तो जाई एम है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, कितना ज्यादा संवेदनशील है, और उसको जो उसका जो मेजरमेंट है वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम देखते थे इधर माइनस और इधर प्लस, इस तरह से बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर मटेरियल, तो इसी को डाइपोल बोलते थे। मतलब इनके बीच आप माइनस और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जाने पर किस तरह से वो अरेंज हो रहे हैं, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस डी हो गई, इसी सिचुएशन को डाइपोल कहते हैं। बट मैग्नेटिक वाला केस, ये इलेक्ट्रिक वाला हो गया, मैग्नेटिक केस में क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ऐसे, मतलब सर्कल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल के अंदर, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे क्लोज लूप ऑफ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इसके अंदर, स्पिन हो रहा है, तो आप कह सकते हो करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट का पाथ हो गया, तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, क्लोज लूप ऑफ करंट। ये अवस्था या ये स्थिति आपकी कही जाएगी मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसी का मोमेंट निकालते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब आपके पास क्वांटिटी क्या है, करंट और ये एरिया, करंट और एरिया का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको लिखते हैं स्मॉल पी सफिक्स एम, करंट इंटू एरिया, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आइए मैग्नेटाइजेशन। अब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे डाइपोल मोमेंट आपने निकाला, तो ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है वो आपका कहा जाएगा मैग्नेटाइजेशन। अब देखिए बी इक्वल टू होगा म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू एम, बी इक्वल टू होगा म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। तो दोनों इक्वेशन से जो एम की वैल्यू आती है म्यू आर माइनस वन इंटू एच, इसी म्यू आर माइनस वन को हम लिख सकते हैं जाई एम इंटू एच। बस हमें ये मेन इक्वेशन हमारी यही है m इक्वल टू जाई एम इंटू एच, मतलब अगर m और h का प्लॉट ड्रा करोगे तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो ससेप्टेबिलिटी, वो कही जाएगी ससेप्टेबिलिटी, कितना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक मटेरियल संवेदनशील है मैग्नेटाइज्ड होने के। समझ गए, तो और m और h का जो रेशियो है वो कहा जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जाई एम लिखते हैं,
ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, समझ गए। तो m की यूनिट क्या हो गई, जो यूनिट आपकी h की है, एम्पियर पर मीटर। h की यूनिट देखिए यहां एम्पियर पर मीटर है ना, तो वही यूनिट आपकी m की आ गई। ओके, तो आपने b दो रिलेशन देखा, b इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच, म्यू इंटू एच, काफी दोनों पॉइंट क्लोज हैं। और आपने देखा m इक्वल टू जाई इंटू एच, तो यहां ये आपका हो गया जाई, हो गया ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और मी हो गया परमिएबिलिटी। m को लिख देंगे n इंटू पी सफिक्स m, अब n हो गया नंबर ऑफ डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटाइजेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसी को मैथमेटिकली ये लिखा गया है। डाइपोल मोमेंट हमारा p सफिक्स m है, और कितने वॉल्यूम में हमें n, नंबर ऑफ डाइपोल है n पर यूनिट वॉल्यूम में, तो इसी मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, तो यही आपका मैग्नेटाइजेशन हो गया। वन बोर मैग्नेट्रॉन है e अपॉन 2m इंटू h अपॉन 2π, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, समझ में आ गया। वन बोर मैग्नेट्रॉन आपका आ गया 9.27 इंटू 10^-24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसी की यूनिट है, मतलब इसी का डाइपोल मोमेंट जो निकालते हैं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, वही चीज है आपका बोर मैग्नेट्रॉन। अब देखिए मैग्नेटिक मटेरियल कितने कितने भागों में बांटा गया है उसके नेचर के हिसाब से। पहला है डाया मैग्नेटिक, DIA मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, आगे रहेगा मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक देखिए क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिचुंबकीय, समझ गए। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो आप देखोगे ये पूरे भरे हुए मिलेंगे, पेयर्ड मिलेंगे, समझ गए। तो इन मटेरियल का पहला पॉइंट है कि ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड में रहते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया, अगर इस मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो ये अपने अंदर से फ्लक्स लाइन को नहीं जाने देंगे, ये रिपेल करते हैं, मतलब फ्लक्स लाइन को ये रिपेल करते हैं, फ्लक्स लाइनें इससे दूर होना चाहेंगे, समझ गए, मतलब उसको बहिष्कृत करते हैं, फ्लक्स लाइन को दूर भगा रहे हैं। अब हमें देखना है इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस मेटीरियल के अंदर अगर फील्ड जीरो है तो मेटीरियल आपको ऐसे ये इस तरह की सिचुएशन आपको देखने की मिलेगी, मतलब मैग्नेटाइजेशन कुछ भी नहीं आपको मिला। अगर फील्ड बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये है जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, ये तो इनका जो मैग्नेटाइजेशन है इस तरह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, समझ गए, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। या ऐसे कह सकते हो स्पिन ऑफ अब देखिए यहां जाई एम आता है नेगेटिव, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, फ्लक्स लाइन को ये रिपेल करते हैं, तो जाई एम की वैल्यू आती है -10^-6 नेगेटिव रहेगा और 10^-6 है। अगर जाई एम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाओगे तो ये आपको इंडिपेंडेंट मिलेगा, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है। तो आपने देखा जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड होते हैं। फील्ड नहीं अप्लाई करने पे मैग्नेटाइजेशन कुछ भी नहीं है, आपको जीरो मिलेगा। अगर फील्ड नहीं है तो नो मैग्नेटाइजेशन। एग्जांपल में आपको मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, कॉपर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आपको डायमंड, गोल्ड, ये एग्जांपल जो अंडरलाइन किए वो आपको याद होने चाहिए। कॉपर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, डायमंड और गोल्ड, उसके अलावा भी है जिंक, सिल्वर, बिस्मिथ, मार्बल, एंटीमनी,
वाटर, NaCl, ग्लास। तो मेन ये है कॉपर, जर्मेनियम, सिलिकॉन और आपके डायमंड और गोल्ड, ये याद होने चाहिए। ओके तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देख लिया जाए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हिंदी में कहा जाता है अनचुंबकीय पदार्थ। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो आपको अनपेयर्ड मिलेगा, इस तरह से, मतलब ये पेयर्ड है और कुछ आपको अनपेयर्ड मिलेगा, केवल एक मिलेगा। अब इसका क्या नेचर है, जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये अपने अंदर से फ्लक्स लाइनों को जाने देगा, मतलब ये अलाउ करेगा, जैसे उस वाले पहले वाले केस में डायमैग्नेटिक में रिपेल कर रहा था, बहिष्कार कर रहा था, ये अलाउ कर रहा है, समझ गए। पहला पॉइंट हो गया कि ये अनपेयर्ड, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड होता है। इसका जब मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे तो अपने अंदर से फ्लक्स लाइनों को अलाउ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हमें ये देखना है, अगर हम फील्ड जीरो रखते हैं, बाहर से कोई फील्ड नहीं लगा रहे हैं, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन का स्पिन बोलो या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम कैसे होंगे, तो ये रैंडमली, ये जो डाइपोल आपको मिलेगा ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, समझ रहे हो। जब फील्ड नहीं लगा रहे हो तो ये ऐसे रैंडम रहेंगे, इसका मतलब जो मैग्नेटाइजेशन है वो आपको जीरो मिलेगा। जब आप फील्ड लगा रहे हो तो एक डायरेक्शन में सबका स्पिन आपको एक डायरेक्शन में मिलेगा, इसका मतलब अब ये मैग्नेटाइज्ड हो गए। चलिए, फील्ड नहीं लगा रहे हो तो आपको कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फील्ड लगाने पर आपको सारे जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में हो गया तो आपको मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। अब जाई एम जो है वो क्या है, पॉजिटिव आएगा इस केस में क्योंकि ये अलाउ कर रहा है ना अपने अंदर से फ्लक्स लाइनों को जाने को, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर टेम्परेचर और जाई एम का ग्राफ बनाइए तो रिलेशन हो जाएगा सी अपॉन टी, क्यूरी ला से, इसको बोलते हैं क्यूरी ला। बाकी जाई एम है सी अपॉन टी माइनस थीटा, इसको कहते हैं क्यूरी विस्ला, क्यूरी डब्ल्यू ई आई डबल एस, क्यूरी विस्ला। तो इसमें क्या रिलेशन है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इस वाले से अगर देखो तो जाई की वैल्यू जो है रिवर्स है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जाई जो है घट रहा है, ठीक है, इस तरह से। क्यूरी विस्ला क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जाई घट रहा है, बस टी माइनस थीटा के, टी माइनस थीटा आ जाएगा, वहां टी की जगह टी माइनस थीटा आ जाएगा, घटेगा तब भी। इसके एग्जांपल है कैल्शियम Fe2O3 और एग्जांपल है एयर, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, टंगस्टन एल्युमिनियम, ये एग्जांपल आपको याद होना चाहिए जिसको मैंने डिब्बे में बंद किया है, Fe2O3, कैल्शियम, एल्युमिनियम और एयर, FeSO4 भी है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसको कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए, अगर ये हमने बाहर से कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं दिया है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, तो ये क्या है, टोटल मटेरियल ये आपका है, टोटल मटेरियल ये हो गया, इसको क्या है छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए कि इससे बना है, फिर ये कुछ हिस्सा ऐसे है। तो जब इंडिविजुअल ऐसे डोमेन की बात करोगे तो इनमें जो है ये डाइपोल जो मोमेंट है या इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो एक डायरेक्शन में होगा, फिर दूसरे डोमेन में किसी और डायरेक्शन में रहेगा, तो ओवरऑल जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो जीरो आएगा, नो नेट मैग्नेटाइजेशन, मतलब नेट मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू जीरो। ये कब की बात है, जब मटेरियल आपका वर्जिन है, मतलब कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया गया है। अब आइए, जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए तब क्या हुआ, सारे जो है इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है सब एक डायरेक्शन में हो गया, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सब एक डायरेक्शन में हो गया,
तो अब क्या मिलेगा, अब इसमें इसका मतलब यह है कि अब आपको मैग्नेटाइजेशन m की वैल्यू मिलेगी, इसमें m की वैल्यू जो है कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा मिलेगी। तो xi m जो है क्या हुआ, वेरी इस केस में वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव। अब देखिए नेक्स्ट है कि xi m और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो xi m जो है बढ़ेगा, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर xi m बढ़ेगा। अब इसमें यही बात लिखा है कि अब बढ़ेगा, लेकिन ये एक पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बढ़ता है, इसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो इधर, xi m बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो लगभग इनफाइनाइट के कगार पर पहुंच गया आपका। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, देखिए ये लाइन है आपकी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है। तो ये लगभग इस पॉइंट पर आपका इनफाइनाइट पहुंच गया, इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर आपका, इस टेम्परेचर पर आपका इनफाइनाइट तक पहुंच गया। अब इसके बाद जब आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो ये मेटीरियल अब पैरा मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगेगा। ये मेटीरियल अब ये वाली लाइन पे आ गया। अब ये देखिए ये पाथ आपका फॉलो हो रहा है ये। तो अब इस केस में xi m हो गया 1/t वाला रिलेशन, 1/t मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या t माइनस थीटा कह सकते हो, अगर क्यूरी टेम्परेचर, तो ये रिलेशन आ जाएगा। मतलब इस टीसी टेम्परेचर के पहले आपका इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा। तो इसी बात को यहां लिखा है, इसका मतलब यह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यूरी टेम्परेचर के पहले फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे, उसके बाद वही मटेरियल आपका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा, ठीक है। तो इंक्रीज वाला जो रिलेशन है वो क्यूरी के पहले है, टीसी टेम्परेचर के पहले। अब देखिए अगर फेरोमैग्नेटिक का बी और एच कर्व बनाओ तो इस तरह से मिलेगा, पहले ये स्टार्टिंग में ऐसे जाएगा, फिर ये वाला पाथ आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ये। इसका मतलब ये है कि जब आप वापस आ रहे हो, जब एच की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो बी तो बढ़ रहा है, फिर एच की वैल्यू जब कम किए मतलब एच जीरो हो गया तो आपको कुछ एनर्जी इसमें स्टोर मिल गई। एच जीरो होने पर ये देखिए बी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसी को कहते हैं रिमेनेंस, मतलब कितना चीज, कितनी उसमें मैग्नेटाइजेशन रिमेनिंग रह गया, उसी को बोलते हैं रिमेनेंस। तो मैग्नेटाइजेशन यहाँ जो कट हुआ, यही आपका ये पूरी डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये रिमेनेंस कही जाएगी। इसको कहते हैं रिटेंटिविटी, मतलब एक बार आपने मैग्नेटाइज कर दिया, मतलब स्टार्टिंग में एच की वैल्यू बढ़ाए फिर एच की वैल्यू जीरो कर दिया, तो उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया वो रिटेंटिविटी कहलाती है, या रिमिनेंस, कितना उसमें शेष बचा रह गया मैग्नेटाइजेशन। अब इस मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू निगेटिव साइड ले जाएंगे इधर, तो एच निगेटिव होने पर लास्ट में एक एच की वैल्यू पर ये जीरो हो जाएगा। जिस एच की वैल्यू पर जीरो हुआ वो कही जाएगी कोवर्सिविटी, एच सफिक्स सी, ये पूरी लेंथ इधर हर हॉरिजॉन्टल वाली, यहां से यहां तक ये वाली पूरी, समझ गए, इसको कहते हैं कोवर्सिविटी। मतलब कितना हम एच दें ताकि जो है हमारा रिटेंटिविटी या रिमिनेंस प्लस जो है वो जीरो हो जाए, तो ये आपकी ये कोवर्सिविटी कहलाएगी। तो इस टाइप का ग्राफ आपको फेरो में देखने को मिलेगा। अगर हम फ्रेश फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हो तो उसमें जो है मैग्नेटाइजेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो नेट मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपने यहां देखा डोमेन का एक ही डायरेक्शन में है, बट एक डोमेन का एक डायरेक्शन में है, दूसरे डोमेन का दूसरे में है, पूरे मटेरियल का ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन जीरो है। तो ये चीज हो गया। अब देखिए ये वाला रिलेशन तो आपको बता दिए, xi m और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, ये वाला xi m इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा। तो ये वाला जो रिलेशन है 1/t या 1/t-θ, यहाँ टी माइनस थीटा ही रहेगा, आ जाइए, ये कब वैलिड है, जब मटेरियल आपका पैरामैग्नेटिक वाले जोन में चला जाएगा। मतलब पहले तो इंक्रीज होगा ना, यहाँ तो डिक्रीज वाला रिलेशन हो गया। इसका मतलब यह है कि
कि अब ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। सी कांस्टेंट है, थीटा को कहते हैं पैरामैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। टीसी जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर होता है, मतलब दोनों में अगर रिलेशन है थीटा लिटिल बिट हायर देन टीसी, टी सफिक्स सी, समझ में आ गया। अब देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल, तीन है गोडोलिनियम। तो हमारा मेन एग्जांपल है आयरन, दूसरा है कोबाल्ट और तीसरा है निकल। तो ये वाला जो रिलेशन है ये इसको ध्यान देने की बात ये है कि इफ टी इज ग्रेटर देन टीसी, मतलब वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है आपका या क्यूरी टेम्परेचर है उससे ज्यादा होने पर ही ये रिलेशन वैलिड है। अब हम देखेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहे हैं तो आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो भी इसके जो है मैग्नेटाइजेशन में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है, दोनों की लेंथ सेम है बट दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो आपको क्या मिलेगा, नेट जो है डाइपोल मोमेंट आपको जीरो मिलेगा, मतलब पहले भी जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी आपको जीरो ही मिला, समझ गए। सो ZM यहाँ आ गया, हो गया स्मॉल एंड पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ZM की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। अब देखिए ZM और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है ये देख लिया जाए। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग क्या है, ZM बढ़ेगा, बढ़ रहा है यहाँ तक, एक टेम्परेचर के बाद TN के बाद जो है ZM घटना शुरू हो गया। तो TN को कहा जाएगा नील टेम्परेचर। TN के पहले आपका मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिक था क्योंकि ZM इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो ZM घटना शुरू हो गया, अब मटेरियल का नेचर हो गया, अब मटेरियल हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। और इस जिस टेम्परेचर पर यह हो रहा है एंटी फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में जाना वो टेम्परेचर कहलाएगा नील टेम्परेचर। ZM और टेम्परेचर का रिलेशन है एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए सी अपॉन टी प्लस थीटा। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ZM और टेम्परेचर का रिलेशन है सी अपॉन टी प्लस थीटा, ओके। थीटा क्या है, पैरामैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर, और TN है नील टेम्परेचर। इसका एग्जांपल है MNO, MNS, CR2O3, NiCr, MnF2। अब हमारा है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, हमारा टॉपिक हो गया अब फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये देखिए फेरी मैग्नेटिक मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा, एक का मैग्नेटाइजेशन या इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर है, दूसरे का नीचे, एक का ऊपर है दूसरे का नीचे, या आप कह सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक का अपोजिट, मतलब एक और दूसरे नेक्स्ट जो है अगला वाला पहले के अपोजिट है, बट यह है कि दोनों की लेंथ सेम नहीं है, दोनों की लेंथ सेम नहीं है। तो आपको क्या होगा, आपको मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा। ये तब है जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी अप्लाई करते हो तो भी आपको यही स्थिति देखने को मिलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ना अप्लाई करो और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, दोनों केस में आपको यही स्थिति यही फिगर देखने को मिलेगा। तो इसका ये मतलब है मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपको मैग्नेटाइजेशन M की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी, जैसा कि और केस में जीरो मिल रहा था, समझ गए। इसमें भी यही है कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करोगे एक क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये आपका नेचर पूरा बदल जाएगा और ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगेगा। अच्छा अब ये देखिए, अब चूंकि एक की लेंथ ज्यादा है एक की लेंथ कम है तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कम होगा, क्योंकि फेरो में सारे एक डायरेक्शन में ही रहते हैं, इसका दूसरी डायरेक्शन में, तो ये कुछ माइनस कर देगा। तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा फेरी का फेरो से हमेशा कम रहेगा। इसके एग्जांपल हैं फेराइट्स, दूसरा है Fe2O3। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, फेराइट्स एंड Fe2O3, फेराइट्स एंड Fe2O3।
अब ये क्या है, इसको कह सकते हो कि इस कैटेगरी में मटेरियल जो है आपको, इस कैटेगरी में जो मटेरियल है वो आपको नेचुरली मैग्नेटाइज्ड होंगे ज्यादातर। कुछ एक एग्जांपल हमने दे दिया है, लोडेस्टोन, ए लोडेस्टोन इज नेचुरली मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ मिनरल्स Fe3O4, मैग्नेटाइट कहते हैं। तो इसी का ही, इसी से है बना हुआ है जिसका नाम है लोडेस्टोन, तो वो है नेचुरल मैग्नेट। मतलब अब वो चुंबक की तरह काम करेगा, अगर किसी आयरन को उसके पास लाओगे तो आयरन को वो खींच लेगा, समझ गए। तो इस कैटेगरी में आपको नेचुरल मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके कुछ और पॉइंट्स देख लीजिए, वेरी हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। ये हार्ड फेराइट, और दो टाइप के हैं फेराइट्स, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड कहाँ यूज होगा, परमानेंट मैग्नेट बनाने में, सॉफ्ट होगा ट्रांसफार्मर और इंडक्टर बनाने में, डेटा स्टोरेज के लिए यूज होगा, और माइक्रोवेव एप्लीकेशन में आपका फेराइट्स यूज होगा। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल आर सिरेमिक्स मटेरियल एंड दे आर वेरी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब इससे जो है करंट फ्लो करने के पर्पस से आप नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक अब यहां स्टॉप कर देते हैं, यहां स्टॉप।